हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में बैचलर्स डिग्री की। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जेएनयू जो है वो बैचलर्स डिग्री में सिर्फ लैंग्वेज को प्रोवाइड करता है। तो हम लोग को बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें पूछा गया था कि बीए लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम में हमें कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सी कंट्री के मतलब कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक कंट्री के बारे में पढ़ना है एक बहुत ही हेवी टास्क हो जाता है। तो हमने पूरा सॉर्ट आउट किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये जो हमारा आज का वीडियो है वो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे पूरा एनालाइज करके बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आपको अपडेट्स देते रहेंगे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के। हम लोग 20-40 अभी एपिसोड्स लाने वाले हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट्स या टॉपिक्स होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड वो हम क्लियर कर देंगे। तो आज के जो जेएनयू में जो बीए लैंग्वेज का होता है फॉरेन लैंग्वेज में, उसमें आपको यूरोप और रशिया जो होता है उसकी ऑलमोस्ट जितनी भी हिस्ट्री है वो सेम ही होती है। तो हम लोगों ने उसको कंबाइन कर दिया है। तो उसमें फिर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, रशिया और पोलैंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती हैं। सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में आपका इजिप्ट आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएगा, कतर, ईरान, इराक, सीरिया, मंगोलिया, टूनिशिया, कजाकिस्तान और इसराइल इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया में जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जितने भी कंट्रीज हैं आपको सबसे पहले तो इसका ज्योग्राफिक जो है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको कल्चर, लैंग्वेज, फूड, क्लोथ, फेस्टिवल, नेशनल डे और पीपल के बारे में आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये किसी कंट्री के जो होते हैं वो बेसिक चीज़ें होती हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर जापान ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो जापान में पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है? उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि जापान के पास कितने आइलैंड हैं और उन आइलैंड में से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये सब आ सकते हैं। तो फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जेएनयू पीएचडी स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें आपका पूरा का सिलेबस जो है वो कवर कर दिया गया है। तो आपको एक सीरीज में 10 सेट्स मिल जाते हैं, उसकी लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे हर एग्जाम से।